दोस्तों इस वीडियो में आप ऐसे अमेजिंग फैक्ट जानेंगे कि आपके होश उड़ जाएंगे। तो शुरू करते हैं फैक्ट के बारे में। दोस्तों ये एक पैरानॉर्मल फैक्ट है। क्या आपको पता है कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जो जगह हॉन्टेड होते हैं और वहाँ सुपरनेचुरल एक्टिविटी होती है, ज़्यादातर उन्हीं घर में होती है जिस घर में कोई ट्रेजिक इवेंट हुआ होता है, जैसे कि कोई किसी को मार देता है, या कोई डूब कर मरता है स्विमिंग पूल में, या फिर कोई अपनी जान ले लेता है। ये सब रीज़न होते हैं जिसके चलते घर हॉन्टेड होता है। जिस घर में लोग शांति से मरते हैं उस घर में ये चीज़ें नहीं पाई जाती। जिन घरों में घटनाएं ज़्यादा पाई गई हैं उनके ग्राफ के हिसाब से जितने भी लोगों ने घर को विजिट किया है उसमें ये पता चला है कि जिसमें किसी की एक्सीडेंटल मौत हुई है उसमें ज़्यादा हॉन्टेड एक्टिविटी होती है एज़ कम्पेयर टू पीसफुल मौत के। इंडियन सीरियल और फिल्मों में सफ़ेद कपड़ों में आपने चुड़ैल को देखा ही होगा। क्या आपने सोचा है कि ये सफ़ेद कपड़े ही पहनकर क्यों होती है? आपको लग रहा होगा ये फैक्ट अजीब है, लेकिन इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में वाइट लेडीज़, मतलब कि अगर आप भूत का विकिपीडिया पेज देखोगे तो आपको एक पूरा आर्टिकल मिल जाएगा वाइट लेडीज़ के ऊपर। इसमें क्या होता है कि वाइट लेडीज़ जो कि एक ऐसी क्रिएचर है जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा अपीयर हुई है और जगह जगह दिखती भी है, जिस लेडीज़ की एक्सीडेंटल मौत होती है वो वाइट कपड़े में दिखती है, और ये वाइट लेडीज़ का एग्जिस्टेंस 18वीं सदी से होता आ रहा है। 18वीं सदी में बहुत से लोगों ने इनको वाइट कपड़ों में देखा है जगह जगह पर, चाहे वो भारत हो या दुनिया कोई दूसरा देश। इसलिए हम अक्सर मूवीज़ और टीवी सीरियल के शोज में हम देखते हैं कि सफ़ेद कपड़ों में ये दिख रही है। एक और इंटरेस्टिंग सा पैरानॉर्मल थ्योरी आपको बता देता हूँ। लोग ये मानते हैं कि एक भूत और वो किसी ट्रेजिक इंसिडेंट से मरा हो तो वो तब तक जिंदा रहेगा जब तक कोई उसको याद रखने वाला धरती पर जिंदा हो। मतलब अकॉर्डिंग टू पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, भूत का कोई रिलेटिव है और वो उसे याद रखता है। मरने के बाद उसे कोई जितना याद रखेगा, जितना उसके बारे में सोचेगा, उतना ही उसका एग्जिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और अगर वो ट्रेजिक मौत से मरा है तो। और जब कोई नहीं होगा उसको उतना याद करने वाला तो उसका घोष्ट शांत हो जाएगा। मतलब ये एक थ्योरी है, इसको मानना या ना मानना आपके ऊपर है, लेकिन ये प्रेजेंट करते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। लेकिन ऐसा क्यों है कि आज तक कोई भी प्रूफ नहीं मिला है भूत का? मतलब कि साइंटिफिकली एविडेंस नहीं मिला है और ना हम इसे प्रूफ कर सके हैं कि कोई ऐसी आइडेंटिटी है जो मरने के बाद भी बात कर सकती हो या किसी का एकदम लाइव प्रूफ हो या ऐसा कोई वीडियो हो जिसको सब कोई मान सके और एकदम ऑफिशियल ठप्पा गवर्नमेंट ने मार दिया हो कि ये रियल भूत है और इसने भूत बनकर ऐसा काम किया है। ये सिर्फ आवाज़ है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि प्राइवेट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इनको रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा आपने कभी सुना है कि कोई गवर्नमेंट का पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हो? क्योंकि सरकार इन चीज़ों को नहीं मानती, इसलिए आज तक कोई पुख्ता सबूत आज तक नहीं बन पाया है कि हाँ ये होते हैं या नहीं होते। कभी कभी देखना आपको ऐसी न्यूज़ आती होगी कि किसी इंसान के ब्रेन में राइट में चोट लग गई है और उसे कुछ ऐसी बीमारी हुई कि उसे अजीबोगरीब चीज़ें दिखने लगी। हम लोग सुनते हैं कि चोट लगने से ब्रेन ऐसे दिखता है या फिर पागल हो जाता है। ब्रेन में ऐसा क्या हो जाता है कि अजीबोगरीब चीज़ दिखने लग जाती हैं, बहुत अजीब लाइट दिखने लग जाती है? तो साइंस लॉजिक देती है कि जिनके ब्रेन में ऐसा कुछ हुआ है उन्हीं को ऐसा कोई क्रिएचर दिखता है। इसे हम नेचुरली नहीं पाते और ना ही कुछ ऐसा होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में जिन्होंने ऐसी चीज़ें देखने का दावा किया है। अगर आपका गाँव में कोई रेफरेंस हो तो आपको बहुत सी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिल जाएंगी कि जहाँ पर कम इलेक्ट्रिक इंटरफेस हो और गाँव में कम और शहरों में ज़्यादा टावर होते हैं, इसलिए हमें गाँव में ज़्यादा दिखते हैं और शहर में कम दिखते हैं। अजीब चीज़ों की बात करें तो जो लोग लकी चार्म, लकी ऑब्जेक्ट या किसी लकी नेस चीज़ों को मानते हैं वो अक्सर लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव करते हैं। कि मान लो कोई इंसान किसी बैंड या किसी पत्थर को रख लेता है और मानने लगता है कि ये मेरे लिए लकी है और मैं जो भी करूँगा सब अच्छा होगा। ये सब पॉजिटिव थिंकिंग है और ये उसे चीज़ें अचीव करने में मदद करती है, और ऐसे पॉजिटिव माइंडसेट रखने वाला बहुत हद तक सफल होता है, भले ही वो ऑब्जेक्ट काम करे या ना करे। लेकिन ऐसा पाया गया है कि वो ऑब्जेक्ट को रखते हैं और साथ ही साथ पॉजिटिव चीज़ों को मानते हैं और विश्वास रखते हैं, इससे वो अपने अंदर बहुत हद तक कॉन्फिडेंस को डेवलप करते हैं। क्या आपको पता है जंगेज खान का टॉम्ब कहाँ है? जंगेज खान के बारे में आपको पता ही होगा, अबाउट उनके टॉम्ब के बारे में डिस्कवर नहीं किया गया है क्योंकि ये चीज़ को सीक्रेट रखना चाहता था और जो भी उनकी डिटेल उस टाइम लीक करना चाहता था
और उनकी लोकेशन को और उनकी टॉम के लोकेशन को जो भी ट्रेस करना चाहता था उसको ख़त्म कर दिया जाता था। हजारों घोड़े और कई सैनिक मिलकर जितने भी ट्रेसेस थे सबको मिटा दिए गए। आज तक नहीं पता पूरे वर्ल्ड में उनका टॉम कहाँ है। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन ऐसा है जरूर। आज तक किसी को उनकी कब्र नहीं मिली कि कहाँ है जंगेज खान। यूएई में 1995 में एक टोयोटा का पूरा ऑफिस था। आप इस इमेज में 1995 की फोटो देख सकते हो। ये टोयोटा का ऑफिस है। उस टाइम कितना रेत था वहाँ पर और एक दो बिल्डिंग थे और खाली था। देखो ये 2016 की फोटो है और 2016 के बाद आप देख सकते हो कितना डेवलप हो चुका है और टोयोटा का ऑफिस आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। लेकिन जो अंतर है वो आप देख सकते हो, कितने रोड बन चुके हैं, कितने फ्लाईओवर बन चुके हैं, कितने हाईवे बन चुके हैं और बिल्डिंग भी कितनी ज़्यादा बन चुकी हैं। बट वो टोयोटा का ऑफिस वैसा का वैसा ही है। ये बहुत ही अमेजिंग बात है कि डेवलपमेंट कितनी जल्दी होती है। आपने नॉर्मल ईयरफोन तो देखा ही होगा। आपको पता है एक माइक्रो हेडफोन आता है, वो आपके ब्रेन के वेव को रीड करता है और ऑटोमेटिकली गाने बजाता है और आपके माइंड को भी रीड करता है। मतलब अगर आप ऐसे बैठे हो और आपके माइंड में बहुत काम है तो आपको वर्क के सॉन्ग सुनाएगा जिससे आपको अच्छा फील हो, और आपका दिमाग टेंस फील कर रहा हो तो आपको पीसफुल सॉन्ग सुनाएगा जिससे आपका दिमाग शांत हो जाएगा और आपका काम में मन लगेगा। ऐसा हेडफोन कि ब्रेन के पैटर्न को पढ़कर गाने बजाने वाला हेडफोन, उन्हें माइक्रो हेडफोन कहते हैं। और ये आपके ब्रेन वेव्स को स्कैन करके इन गानों को आपके मूड के हिसाब से प्ले करता है। दोस्तों आपको एक फैक्ट बताता हूँ। गाड़ी में दो तरह के लाइट्स होते हैं, एक हेडलाइट और दूसरा हाई बीम लाइट। हाई बीम जो होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है और रात के समय में जब जंगल में जा रहे हो तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो क्या है कि ये नियम हाईवे, एक्सप्रेसवे या किसी शहर के बाहर हाई बीम यूज कर सकते हो, लेकिन शहर के अंदर आप जहाँ पर ट्रैफिक, घर या मार्केट ये सब होता है वहाँ पर हाई बीम अलाउड नहीं है, क्योंकि हाई बीम से लोगों की आंखों पर असर पड़ता है। इसको ऐसी जगह पर यूज़ करना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा लोग ना हो, जैसे कि एक्सप्रेसवे, हाईवे। तो हाई बीम नॉर्मली इलीगल है, लेकिन बहुत से लोग हाई बीम को ऐसे चलाते हैं जैसे कि उन्हीं की मर्जी हो कि कब चलाना है कब नहीं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हाई बीम करके चलाते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि इस चीज़ के लिए एक फ़ाइन भी होता है। चीन में एक नया तरीका निकाला गया है इनको पनिश करने का। जो लोग शहर में हाई बीम ऑन करके चलाते हैं उनकी गाड़ी के सामने ही उनको हाई बीम ऑन करके गाड़ी के सामने बैठा देते हैं और बैठा कर उनको बोलते हैं कि तुम इस लाइट को कुछ देर तक देखते रहो। ये नया तरीका निकाला है चाइनीज़ पुलिस ने। चाइनीज़ पुलिस का आर्टिकल आप गूगल में भी देख सकते हो कि कैसे ये इन्हें पनिश किया जा रहा है, जो कि चीन में और वर्ल्ड में पहली बार किया जा रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।